हेलो गाइस, हाउ इट इज़ गोइंग। माय नेम इज़ पीयूष एंड दिस इज़ होल न्यू प्लेलिस्ट ऑफ आवर चैनल प्रियंका यादव फिजिक्स ट्यूटोरियल। इस प्लेलिस्ट का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जिसमें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो है इम्पोर्टेंट बीएससी ऑनर्स के लिए और एमएससी फिजिक्स फोर्थ सेम के लिए। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जब हम स्टार्टिंग में बात करते हैं तो वो स्टार्टिंग होती है डिजिट्स से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टार्टिंग होती है डिजिट से। तो मैथमेटिकल में हम डिजिट काउंट करते हैं तो डिजिट्स होते हैं जीरो। जीरो क्या है? एक डिजिट है। वन भी एक डिजिट है, टू भी एक डिजिट है, थ्री भी एक डिजिट है, फोर भी एक डिजिट है एंड सो ऑन। ये सारे क्या है? डिजिट्स हैं। ओके, ये सारे डिजिट्स जब इकट्ठी होती हैं या सेट बनाती हैं तो मैं बोल दूँगा सेट ऑफ डिजिट्स। तो ये सारी इकट्ठी होकर क्या बना देती हैं? एक नंबर बना देती हैं। जैसे अपन कोई भी एक नंबर लिखते हैं, मान लो मैंने कोई एक नंबर लिखा, मैंने लिख दिया 4512। ये क्या एक नंबर है। इस नंबर में चार क्या है? एक डिजिट है। पाँच क्या है? एक डिजिट है। एक क्या है? डिजिट है। ऐसे ही टू भी क्या है? एक डिजिट है। तो ये क्या बन गया? 4512 एक नंबर बन गया। ये नंबर तो बन गया, लेकिन नंबर बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के नंबर होते हैं। तो अभी ये जो नंबर बना है, ये कैसा टाइप बना है नंबर्स का, वो देखेंगे हम। देखो, ये नंबर बनने के बाद में हमारे एक टर्म आती है हमारे पास, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, देखो नंबर सिस्टम क्या होता है? सेट ऑफ डिजिट्स है ना, इन सभी डिजिट्स का क्या सेट। लेकिन हम बोल रहे हैं कि नंबर सिस्टम बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो ये नंबर सिस्टम कैसा है, ये कैसे पता लगेगा? पहली बात तो उन डिजिट्स का सेट देखेंगे कि किस किस डिजिट से मिलकर ये बना है, और फिर एक टर्म इसको डिफाई करेगी बेस या रेडिक्स। उस नंबर सिस्टम का हम बेस या रेडिक्स चेक करेंगे जो हमें ये बताएगा कि ये किस टाइप का नंबर सिस्टम है। देखो, इसी चीज़ को समझने के लिए मैं आपसे बात करता हूँ नंबर सिस्टम के बाद एजुकेशन सिस्टम की। देखो, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, कॉलेज लेवल के अंदर हमारे पास आते हैं फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, देखो एक हमने एक सिस्टम बना दिया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का। हमारे पास एक सेट और है जिसके अंदर आया है ओनली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हम मान ले हैं बीएससी वाला। तो देखो, बीएससी को हम क्या बोलते हैं? अंडर ग्रेजुएट है ना, तो अंडर हम यहाँ पर लिख देंगे यूजी। तो यूजी क्या बन गया इसका? बेस या रेडिक्स। तो ये बता देगा कि जो ये अंदर लिखे हुए हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ये क्या बता रहे हैं? किसी बीएससी क्लास के ईयर बता रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, क्योंकि हमने कैसे चेक कर लिया? यूजी से पता कर लिया। अब देखो, एक चीज़ और मिल गई, यूजी वाले नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट आएंगे? 1, 2 और 3। अब हमने दूसरी तरफ एक एग्जाम्पल और लिया था, ये देखो इसमें भी क्या लिखा हुआ है, 1 और 2, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, यहाँ पे देखो मैं अगर लिख दूँ यूजी, यूजी लिख सकता हूँ, क्योंकि यूजी के अंदर कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और आएगी। तो हमने मान लो हमें कुछ डिस्कस करना हो ओनली फर्स्ट और सेकंड के बारे में, तो हम यहाँ पे यूजी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म मिसिंग रहेगी हमारी। लेकिन अगर हम कहें कि ये पूरा सिस्टम है, तो हम पूरा सिस्टम के लिए क्या बनाएंगे इसको? पीजी बना देंगे, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर कितने ईयर का कोर्स होता है अपना? फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर, दो ही तो साल का होता है। तो ऐसे पता लग जाएगा कि ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे पीजी की, तो पीजी के अंदर कौन कौन से डिजिट आएंगे? ओनली 1 और 2, और उसका बेस क्या रहता है? पीजी। यूजी के अंदर डिजिट आएंगे 1, 2 और 3 थर्ड ईयर तक, और उसका बेस कैसे रहता है? यूजी। ऐसे आता है हमारे नंबर सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के टाइप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम,
पहले मैं एक बार आपको टाइप बता देता हूँ जो जो अपने को पढ़ने हैं, ठीक है? फिर हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड लास्ट जो हमें पढ़ना है वो है हमारा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा? अपना बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो बाइनरी नंबर सिस्टम, अभी देखो हमने एजुकेशन सिस्टम की बात की तो हमने सबसे पहले क्या पता था, यूजी कोर्सेज के अंदर कितने साल का होता है? 3 साल का। तो हमें पता था यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा और थर्ड आएगा, ठीक है? तो देखो ये एजुकेशन वाले सिस्टम को एग्जाम्पल को दिमाग में रख लो और उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या पढ़ेंगे अपना, अब अपना कोर्स स्टार्ट कर लेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम से। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी डिजिट आती है वो मैं बता देता हूँ आपको। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर डिजिट आती हैं 0 एंड 1। ओके, बाइनरी नंबर में अपने को मिलेगा 0 एंड 1। देखो जब एजुकेशन सिस्टम में यूजी कोर्स के अंदर कौन कौन सी टर्म आई थी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल, और उसका बेस कितना था यूजी, ऐसे ही इस नंबर सिस्टम की पहचान करने के लिए यहाँ पे बेस क्या मिलेगा, 2। ओके, तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो हम ऐसे सेट बनाएंगे 0 का और 1 का, है ना? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर 0 और 1 आता हो, ऐसा सिस्टम बना दिया, और इसका बेस कैसे मिलेगा, 2। ठीक है, ये होगी इसके रिप्रेजेंटेशन बाइनरी नंबर सिस्टम की। इसमें डिजिट आएंगे 0 और 1, और उसका बेस कितना रहता है, हमेशा 2। ठीक है, देखो ये 0 और जो 1 थे हम इनको इंडिविजुअली बोलते हैं बिट, 0 को बिट बोलते हैं और 1 को भी बिट बोलते हैं। तो बिट की टर्म देखो हमने पढ़ा था किलोबाइट, है ना? बिट, किलोबाइट, MB, GB, जो ये टर्म्स हैं ये सारे टर्म्स हम किस लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं? देखो जनरली हम कंप्यूटर या फ़ोन के अंदर यूज़ करते हैं ना, ये GB और MB वाली टर्म्स, किलोबाइट्स वाली टर्म फ़ोन में यूज़ करते हैं, चिप वगैरह के लिए, रैम वगैरह के लिए, स्टोरेज के लिए, है ना? रैम, फ़ोन, कंप्यूटर, इनके लिए यूज़ करते हैं बिट वाले टर्म। तो इसका मतलब जो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसके अंदर आते हैं कौन कौन, 0 और 1, ये किसकी लैंग्वेज है, बेसिकली कंप्यूटर की, फोन की, कंप्यूटर, फोन, कैलकुलेटर्स, इन सब के अंदर ना ये बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है बाइनरी लैंग्वेज यूज की जाती है कंप्यूटर के अंदर, फोन के अंदर और कैलकुलेटर्स के अंदर। तो उनकी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसके अंदर ओनली क्या आता है, 0 और 1। लेकिन हम तो क्या पढ़ते हैं, हम जो डेली लाइफ में जो हम बोलते हैं वो कौन सी लैंग्वेज होती है अपनी, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अगर मान लो कंप्यूटर ने अपने अंदर एक नंबर लिखा है जो नंबर है 1011, ये कैसा नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर कौन सी टर्म आई है, देखो 1011 और कोई नहीं आया ना इसके अंदर, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया। देखो अपने पास डिजिट तो ये भी होती हैं 2, 3, 4, 5, लेकिन इस सिस्टम में कौन कौन सी आएंगी, ओनली 1 और 0 ही आएगी, और इसका बेस कितना है, 2। ठीक है, अब ये तो हो गई कंप्यूटर की लैंग्वेज। अब कंप्यूटर ने ये चीज़ लिखी है, इसका मतलब हमने क्या बोला था इसको कि क्या लिख दे, तो हमने जो इसको बोला होगा वो कैसे बोला होगा, डेसिमल की लैंग्वेज में बोला होगा। तो किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें उसके पता होनी चाहिए प्लेस वैल्यू, ठीक है? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या बोलते हैं, देखो अपने पास एक बिल्डिंग है, ठीक है? अपने पास क्या, एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का सबसे नीचे वाला फ्लोर होता है जो प्लेस उसका सबसे पहले आता है ना? देखो ये रास्ता है बिल्डिंग में जाने का, और ये क्या है, इसका सबसे पहला फ्लोर है। ओके, अंदर घुसते के साथ ही, तो वो कौन सा फ्लोर आता है अपना सबसे पहले, बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर, है ना? ग्राउंड फ्लोर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 भी बोलते हैं,
तो देखो जो सबसे पहले आया उसका प्लेस क्या है, जीरो, वो जीरो प्लेस के ऊपर रहता है। फिर सबसे बाद में ग्राउंड से ऊपर जाते हैं तो कौन सा आता है, फर्स्ट फ्लोर। फिर उसके बाद कौन सा फ्लोर आता है, सेकंड फ्लोर। और उसके बाद कौन सा आता है, थर्ड फ्लोर, है ना। तो जो प्लेस सबसे पहले आता है वो अपना कौन सा होता है, ग्राउंड फ्लोर या फिर जीरो। सबसे पहले जो प्लेस आएगा वो कौन सा होता है अपना, जीरो। तो प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम के अंदर भी प्लेस वैल्यू हम ऐसे ही निकालेंगे, जैसे हमने एग्जांपल ये लिया था ना। चलो इसको ऐसे सोल्व करते हैं हम यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए। देखो 1 0 1 1, इसका बेस है 2। तो देखो जब भी हम नंबर पढ़ते हैं हम तो इस टर्म से बोलना स्टार्ट करते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो सबसे पहले क्या आता है, इकाई। तो अपने इस एग्जांपल को ध्यान रखना बिल्डिंग वाले को, जब से सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर आता है तो ग्राउंड फ्लोर की प्लेस वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो। उसके बाद नेक्स्ट टर्म की क्या मिलेगी, फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट की सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट की थर्ड। तो देखो जब इकाई से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला ये टर्म आई है, वन आया है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है अपनी, वन। देखो नेक्स्ट डिजिट क्या ही अपनी, वन आया है ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या मिलेगी, वन। ये मत देखना कि दोनों वन वन ही है तो सभी की क्या मिलेगी, जीरो। नहीं, ये पहले स्थान पर बैठा हुआ है तो इसकी वैल्यू है जीरो, ये दूसरे पे बैठे हुआ था इसकी है वन। इसके बाद ऐसे आगे चलते जाओ और इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो जो सबसे पहले आएगा उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, सबसे लिस्ट मिलेगी। और जो सबसे लास्ट में आता है उसकी वैल्यू कैसे मिलती है, हमेशा मोस्ट, ठीक है। और हमने कहा था ये क्या है, बिट है, जीरो और वन क्या है, बिट। तो ये जो जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है सबसे पहले वाले की, उसको बोलते हैं हम लिस्ट सिग्निफिकेंट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी उसको बोलते हैं हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, शॉर्ट में बोलते हैं इसको MSB, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LSB, ठीक है। तो ये था अपना एग्जाम्पल। हाँ, हमें बताना ये था कि ये है हमारा कोई बाइनरी नंबर सिस्टम 1011। बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे पता लगा कि इसका बेस कितना है, 2। अब हम कंप्यूटर में तो हमारे पास ये आया है, लेकिन हम अपने लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको, वो कैसे पता लगाएंगे। उसका पता लगाने का देखो एक तरीका है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो दो डिजिट है हम वो लिखेंगे। क्या है डिजिट, ये देखो वन, ठीक है, लिख दी। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में आएगा इसका बेस इंटू बेस, और बेस के पावर में क्या आएगा, जो इस डिजिट की प्लेस वैल्यू है। इस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है, जीरो। हो गई ये टर्म खत्म। फिर इसके इस तरफ चलेंगे लेफ्ट साइड में, देखो इधर भी हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे और यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस तरफ बढ़ते जाएंगे। तो पहली टर्म हो गई खत्म, उसके बाद लगाया प्लस का निशान। फिर दूसरी डिजिट लिखेंगे यहाँ पे, दूसरी डिजिट क्या है, वन, लिख दो यहाँ पे वन। फिर ऐसे ही इंटू, फिर यहाँ पे बेस, और बेस की पावर में अब की बार इस डिजिट की प्लेस वैल्यू, इस डिजिट की प्लेस वैल्यू कितनी है, वन, 2 की पावर 1। हो गई ना ये भी खत्म। तो इस तरफ चलो अब अगली अगले डिजिट क्या आ गया अपने, जीरो। जीरो का बेस 2 इंटू 2 की पावर 0 का प्लेस वैल्यू, जीरो की प्लेस वैल्यू कितनी है, 2, 2 की पावर 2। हो गई खत्म। तो इधर भी इस तरफ बढ़ जाओ और इस तरफ भी इस तरफ बढ़ जाओ, यहाँ पे नई डिजिट क्या आ गई अपनी, वन, लिख दो वन वन। और फिर नंबर सिस्टम का बेस कितना है, 2, 1 इंटू 2, 2 की पावर, इस डिजिट की प्लेस वैल्यू, इस डिजिट की प्लेस वैल्यू कितनी है, 3। अब इसको सोल्व कर लो। देखो किसी भी वैल्यू का जीरो कितना होता है, 1। तो कितना आया, 1 इंटू 1, यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। तो क्या बन जाएगा, 1 इंटू 2, 2 प्लस 0 इंटू समथिंग, 0 प्लस 2 की पावर 3 कितना बन गया, 8। 1 इंटू 8 कितना बन जाएगा, 8, ठीक है। तो क्या है देखो, अब ऐड कर दो, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 कितना बन गया, 11 बन गया ना। तो देखो हम कह रहे हैं कि हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, डेसिमल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो ये
क्या बन गया अपना, डेसिमल नंबर सिस्टम बन गया। अभी देखो, अभी अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें हम बताएंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे क्या क्या होते हैं। ओके, तो देखो अगर बाइनरी में ये चीज़ लिखी गई है, इसका मतलब हमने उसको क्या बोला था, 11 टाइप किया था हमने कीबोर्ड से। जब हमने 11 टाइप किया तो कंप्यूटर ने क्या कर लिया अपने आप, उस 11 को इसमें कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, ठीक है, ये अभी पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ तक आ गए समझ में, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है, किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट इसी तरह करेंगे। हमें उसकी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए और उसका बेस पता होना चाहिए, और फिर ये कर देंगे। अभी और एग्जांपल करेंगे आगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा था अपना, डेसिमल नंबर सिस्टम। देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से टर्म आएंगे, कौन कौन से डिजिट आएंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। देखो बाइनरी में कौन कौन सी आ रही थी अपनी, देखो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी थी, 0 और 1। ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आएंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर के 9 तक की टर्म्स आएंगी, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स आएंगे, 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स आएंगे, 0 से लेकर के 9। तो टोटल कितने हो गए, देखो काउंट करके देखोगे तब इनको कितने आएंगे, टोटल हो गए ये 10। तो जितने उस नंबर सिस्टम में जितने डिजिट होते हैं वही क्या होता है, उसका बेस होता है। देखो जैसे बाइनरी के अंदर कितनी थी, 2 थी, तो इसका बेस क्या था, 2। यहाँ पे इसका बेस कितना आ जाएगा, 10। तो सबसे पहले तो हमें यही पता करना होता है कि उसके अंदर कितने डिजिट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होती हैं ये पता लग गया, कितनी होती हैं, टोटल 10 होती हैं। इसका बेस भी पता लग गया अपने को, कितना इसका बेस, 10 है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, ऐसे टर्म्स लिखेंगे और उस यहाँ पे बेस आएगा। और अभी एक हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें आपने क्या आया था, 11, ये हमने लिख दिया 11। देखो 11 कैसे मिलके बनाया है, 1 और 1 से, 1 और 1 से मिलके क्या बनाया है, 11। और इसका बेस कैसे है, 10। ये क्या हो गया, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे हमने लिख दिया 786, उसके नीचे क्या लिख देंगे, बेस। ये कैसा है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। ओके, देखो डेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर में क्या कन्वर्ट करना है, लेकिन जो हमने बाइनरी में प्लेस वैल्यू बताई थी वो प्लेस वैल्यू तो यहाँ पे भी लागू रहेंगे। देखो मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, ये कैसा है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो यहाँ पे भी वो रूल चलेगा। देखो 4 सबसे पहले आया है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 0। अपना बिल्डिंग वाला याद रख लेना। देखो ये कौन सा फ्लोर था अपना, ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर की वैल्यू सबसे पहले आता था 0। ये था अपना फर्स्ट फ्लोर, ये था अपना सेकंड फ्लोर, ये था अपना थर्ड फ्लोर, ठीक है। तो जो सबसे पहले आया था वो कौन सा था, ग्राउंड फ्लोर, जिसकी प्लेस वैल्यू रहती है 0। जो दूसरे नंबर पे आया है उसकी फर्स्ट फ्लोर, है ना। ये सब इसकी क्या है, प्लेस वैल्यू, कि ये डिजिट्स जहाँ जहाँ पे बैठी रहेंगी वहाँ वहाँ पे इनकी क्या रहेगी, कोई ना कोई एक वैल्यू रहेगी। तो वो वैल्यू हमने लिख दी, जैसे जैसे इधर से बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस वाले केस में लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, देखो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट 4 आ गया ये, है ना। तो इधर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये आई, क्योंकि इसकी प्लेस, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस बिट की पहचान सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ओके, तो जैसे बाइनरी के केस में हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया था, तो ऐसे ही डेसिमल को हम कन्वर्ट करके देखते हैं डेसिमल में ही। तो इसको डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट क्या करेंगे, लेकिन यहाँ से हमें इसकी टर्म्स मिल जाएंगी। कैसे टर्म्स मिलेंगे, कि देखो किस किस से मिलके बना है। तो सबसे पहले टर्म क्या अपनी, 4, और इसका बेस कितना है, 10, और 10 की पावर 0, है ना, 10 की पावर 0, प्लस दूसरी टर्म 3 × 10 की पावर 1, प्लस 2 × 10 की पावर 2, प्लस 1 × 10 की पावर 3। देखो ये क्या बन गया, 10 की पावर 0 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 10 की पावर 1 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30, प्लस 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200, प्लस देखो
इसको 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 ऐड कर दो, क्या बनेगी टर्म, बन गई ना। देखो बाइनरी को तो डेसिमल में कन्वर्ट किया था, अब डेसिमल को ही हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, थाउजेंड हंड्रेड डेसिमल, और ये अपने आ गए डिजिट्स, यूनिट डिजिट्स, है ना, ऐसे ओपन हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये था अपना डेसिमल नंबर सिस्टम। हम इन सभी के कन्वर्ट, देखो बाइनरी को तो डेसिमल में कर दिया हमने, डेसिमल को भी डेसिमल में ओपन करके देख लिया, अब डेसिमल को बाइनरी में करेंगे, डेसिमल को ऑक्टल में, और डेसिमल को हेक्साडेसिमल डेसिमल में करेंगे, वो हम बाद में करके देखेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम की। नेक्स्ट नंबर सिस्टम अपना कौन सा था, ऑक्टल नंबर सिस्टम। बाइनरी पढ़ लिया, डेसिमल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहली बात, ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से डिजिट आती हैं। ऑक्टल में आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये आएंगे। तो ऑक्टल के अंदर टोटल कितनी टर्म हुई, देखो ऑक्टल के अंदर टोटल कितनी टर्म है गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो टोटल कितनी टर्म हो गई, 8। तो इसका बेस भी कितना हो गया, 8। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डिजिट लिखेंगे सारी, ठीक है, डिजिट लिखेंगे और उसका बेस लिख देंगे नीचे अपना 8। जैसे कोई नंबर सिस्टम आया अपने पास, मान लो मैंने कोई टर्म ले ली, यहाँ से उठा लिया 3, 4, 5, 3, 4 और 5। अब देखो 3, 4, 5 डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर भी आ रहा था, और 3, 4, 5 अपना ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर भी आ गया, तो ये डेसिमल में है या ऑक्टल में है ये कैसे पहचान होती है, इसके बेस से। तो अगर 3, 4, 5 के नीचे अगर 8 लिख कर दिख गया तो हम ये कह दें किस में है ये, ऑक्टल में अपना। अगर 3, 4, 5 के नीचे अगर 10 लिखा मिला तो हम ये किसको कहेंगे, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में है, ठीक है, इसलिए बेस जरूरी होता है। तो ठीक है, यहाँ पे अपना कितना है, बेस 8 है। तो देखो ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले अपने इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो 5 सबसे पहले आ रहा था, इसकी प्लेस वैल्यू है 0, ये फिर 1, ये फिर 2, बेस कितना है इसका 8। अब करेंगे इस ऑक्टल को किस में कन्वर्ट, डेसिमल में कन्वर्ट। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले पहले डिजिट 5, फिर उसका बेस, और बेस की पावर उस डिजिट की प्लेस वैल्यू 0, फिर प्लस का निशान, फिर डिजिट, फिर बेस, और बेस में उस डिजिट की प्लेस वैल्यू 1, फिर 3, और उसका बेस, और बेस में 3 की प्लेस वैल्यू, कर दो सोल्व। देखो जब इसको सोल्व करेंगे तो 8 की पावर 0 क्या बन गया, देखो 5, 8 की पावर 1 8 प्लस 32, 8 की पावर 2 64, 64 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 192, तीनों को हम ऐड कर देंगे कितना आएगा अपने पास, 229। ये कैसे नंबर सिस्टम बन गया, 10। देखो हमने किससे कन्वर्ट किया, हमने ये 3, 4, 5 ऑक्टल से कन्वर्ट किया है, ऑक्टल से कन्वर्ट कर दिया किस में, डेसिमल नंबर में। तो क्या पता होना चाहिए अपने को, इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। और देखो इस क्वेश्चन के अंदर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या थी अपनी 5, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या थी अपनी 3। अब ऑक्टल को डेसिमल में तो कर दिया, ऑक्टल को बाइनरी में भी करेंगे और ऑक्टल को हम हेक्साडेसिमल में भी करेंगे, वो हम करेंगे बाद में, पहले हम पढ़ते हैं क्या नेक्स्ट नंबर सिस्टम और लास्ट नंबर सिस्टम जो हमें पढ़ना है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी टर्म आती हैं, सबसे पहले तो अपने को वो पता होना चाहिए। हेक्साडेसिमल के अंदर आती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। टोटल कितने हो गए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 16 हो गई। इसका मतलब इसका बेस क्या हो गया अपने पास, 16, ठीक है, ओके। देखो हेक्साडेसिमल के अंदर ये टर्म्स आई, लेकिन हेक्साडेसिमल के अंदर एक जो बात है वो है अलग यहाँ से। देखो
नाइन के बाद में जब टेन आता है तो हेक्साडेसिमल के अंदर टेन को टेन नहीं लिखते, हेक्साडेसिमल में टेन को लिखेंगे ए, इलेवन को लिखेंगे बी। यहाँ से हम ए बी सी डी शुरू कर देते हैं, सी डी ई एफ, ठीक है। नाइन के बाद में टेन को हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, ओके 15 तक। देखो इसके पीछे रीजन क्या है, देखो अगर हमने लिख दिया, देखो अगर हमारे, मैं भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, देखो पता लग गया अभी ये सीख लो, यहाँ से लेकर 15 तक के टर्म आते हैं, लेकिन 10 के बाद में उनको क्या लिखना शुरू कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, और टोटल टर्म कितने आपने 16, तो बेस कितना हो गया अपना 16। इसको बेस को क्या बोलते हैं, दूसरी टर्म नाम क्या बताया था हमने स्टार्टिंग में, रेडिक्स। देखो अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मान लो मैंने लिखी कोई टर्म, मैंने एक नंबर सिस्टम लिखा है 12, सॉरी 12 नहीं बोलूँगा मैं, ऐसे लिख देता हूँ, एक बार लिख दिया, ठीक है, मैंने इसके नीचे लिख दिया बेस 16। अब देखो हेक्साडेसिमल के अंदर वन भी आता है, हेक्साडेसिमल के अंदर टू भी आता है, फोर भी आता है और फाइव भी आता है, और हमें ये बता दिया कि गया कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। अब इस वन और टू को हम वन टू बोले या फिर 12 बोले, 12 भी तो आता है हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर, तो अगर हमें पता नहीं होगा कि ये 12 है या फिर वन टू है, ओके, तो बस यही डिफरेंस पता करने के लिए, अगर मान लो ये 12 था तो हम इस 12 की जगह पे क्या लिख देंगे, अब सी सी फोर फाइव, सी फोर फाइव और इसका बेस 16। पता लग गया क्यों लिखते हैं नाइन के बाद में टर्म्स को अल्फाबेट्स के अंदर, इसीलिए लिखते हैं ताकि ये वन टू के अंदर और 12 के अंदर डिफरेंस पता लग जाए, ठीक है। देखो एक टर्म वो लिख के दिखा देता हूँ, मान लिया मैंने ये लिख दिया, ये हमने कोई नंबर लिख दिया और इसका बेस है 16, ये बन गया हमारा नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये 15 है या फिर 15 है, मैं इसको 15 पढ़ दूंगा अगर मेरे को नहीं पता होगा, लेकिन ये है क्या 15, तो 15 है तो हम इसको क्या लिखेंगे एफ, तो इस टर्म को क्या लिखेंगे हम अब एफ 497 बेस 16, ठीक है। इसलिए हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बाद में नाइन को टेन को इलेवन को इस फॉर्म में लिखना शुरू कर देते हैं, ओके। अब हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका तो अपना वही है जैसे हमने क्या किया था ओक्टल को किया था। देखो इसके अंदर भी पता होना चाहिए अपने को, मैं एक टर्म ले लेता हूँ ए टू थ्री, इसका बेस कितना है 16, 16 को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, तो हमने क्या पता होना चाहिए इसकी प्लेस वैल्यू, पता होनी चाहिए इसकी प्लेस वैल्यू 0, इसकी प्लेस वैल्यू 1 और इसकी प्लेस वैल्यू 2, तो वही बेस की पावर 0 करके मैं आपको जनरल फॉर्मूला लिख कर दे देता हूँ यहाँ पे। अब ये हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम सभी डेसिमल नंबर सिस्टम, सभी डेसिमल नंबर सिस्टम के टाइप्स, मतलब कि उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एग्जांपल्स, सभी उसके अंदर के डिजिट्स ले लेंगे, ऐसे बाइनरी नंबर की और ऐसे हेक्साडेसिमल की और ऑक्टल की भी, सभी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन सीखेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो डिजिट्स इनटू बेस और बेस की पावर डिजिट्स की प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये कौन सी बिट होती है सबसे पहले वाली, डिस्टिनी बिट कैंट बिट, और इधर उधर क्या करते जाएंगे हम प्लस करते जाएंगे, और सबसे लास्ट में मिलेगी वो भी ऐसे डिजिट इनटू बेस और डिजिट्स की प्लेस वैल्यू, है ना, बेस के स्क्वायर में, और ये जो लास्ट वाली होती है ये कौन सी मिलती है हमारे पास, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू।